प्रतापगढ़ अंबेडकर फूले विचार महासभा के जिलाध्यक्ष तारू सिंह यादव ने बताया कि स्थानीय गांधी चौराहे पर शेड्यूल एरिया संघर्ष समिति, आदिवासी सेना, भीम आर्मी, बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, आदिवासी प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा आदि ने संयुक्त तत्वाधान में मनु ऋषि द्वारा रचित मनुस्मृति को जलाया गया। इस अवसर पर तारू सिंह यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार से भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को जलाई थी, उसी प्रकार अन्याय छुआछूत पर आधारित मनुस्मृति को जलाया गया। समाज सेवी सुरेश चंद्र जटिया ने अपने विचार रखते हुए कहा कि आज जो भी हत्याकांड, रेप व अभी ताजा कांड संजली नामक नाबालिग को सरेरा पेट्रोल डाल के जलाकर मार दिया गया है, यह भी मनुस्मृति के कारण हो रहा है। आज भी समाज में लोग गौरत को सिर्फ हवस की दृष्टि से ही देखते हैं, यह सब मनुस्मृति के कारण ही तो है। पुष्पा मीणा, गीता मीणा, सुनीता जाट, कमल कुमार परिहार, मुकेश जटिया आदि इस अवसर पर उपस्थित थे। आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ से हरीश जटिया की रिपोर्ट। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 25 दिसंबर 1927 में मनुस्मृति का दहन किया था, उसी उपलक्ष्य में यहाँ प्रतापगढ़ में भी मनुस्मृति का दहन का कार्यक्रम रखा गया है। मनुस्मृति के कारण ही SC ST OBC और माइनॉरिटी के साथ भेदभाव छुआछूत उन्नीस हो रहा है, और इसी मनुस्मृति के कारण संजली जैसा जो हत्याकांड हुआ है, ये उसी मनुस्मृति का ही परिणाम है। मनुस्मृति के कारण ही हमारे देश में हमारे SC ST के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था। SC ST के लोगों को और शूद्रवर्ण के लोगों के धन का अधिकार छीना गया था मनुस्मृति के कारण। मनुस्मृति ने ही हमें हमारे हक अधिकारों से वंचित रखा। मनुस्मृति ने धन का अधिकार छीना, मनुस्मृति ने शिक्षा का अधिकार छीना। मनुस्मृति के कारण ही हम आज वंचित हैं, इसीलिए हमने मनु का और मनुस्मृति का दहन किया है और मनुवाद का विरोध कर रहे हैं। जय भीम, जय।